प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों ने पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न चीने कोई आठ पैर भी न रहे प्रेम कहावे सो आप पार ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप विद्यानंद बुद्ध निष्कल अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। अब यहां आके जब दुनिया में देखा कोई गोपियां के प्रेम की सराहना कर रहे हैं, कोई मीरा के प्रेम की सराहना करते हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं जो लैला और मजनू के प्रेम की सराहना करते हैं। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न चीने कोई। गाते हैं प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम का इंट्रोडक्शन ही नहीं जानते कि व्हाट इज लव और वो हो किसके साथ सकता है। ध्यान के साथ अब पहले लेंगे हम लैला और मजनू के प्रेम। प्रसिद्ध चीजें हैं इस संसार में। जो मजनू था वो केवल भैंस गौओं को चुगाने वाला था, मन में ले जाता था, उनको चुगा के घास फूस खिला के ले आता था। लेकिन जो लैला थी वो राजा की लड़की थी, और कभी भी मजनू ने लैला के पूरे स्वरूप को दर्शन नहीं किया। मजनू जब वन में जाता था तो लैला खिड़की के अंदर आके खड़ी होती थी, बस थोड़ा दर्शन दिया और चली। अब उसकी मस्ती क्या थी, ध्यान के साथ, जो सच्चा प्रेम होता तो 24 घंटे वो उसी लैला के ही स्वरूप में मगन घूमता है। वन में भैंस इधर उधर खेत में घुसने लगती है तो लाठी लेकर जो उसके पास होती थी मारता था और कहता था चल लैला की बच्ची इधर चल। इतना सुध बुध भूल। अब उसके पिता ने पूछा कि बेटा, लैला के पिता ने, राजा था, एक ही लड़की थी, पुत्र कोई था नहीं, कि बेटा हम तेरी शादी तेरी मर्जी से करना चाहते हैं ताकि तुझे दुख ना हो, और जबरन हमने कर दी और तुझे पति ना भाया तो हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो कहने लगे कि चिंता मत करी, ढिंढोरा नगर में पिटवा दो कि जो लैला की चाहत में है, चाहता है, तो अमुक दिन जो है शादी होगी तो वो सब मजनू आ जाए। वो तो उसने कहा था कि मेरी शादी मजनू के साथ होनी चाहिए, तो पिता ने ढिंढोरी पीट दी। अब आप जानते हो संसार के व्यंग ब्लड होते हैं कितने अंधकार अंधे कुएं में डूबे रहते हैं। तो बहुत सारे नौजवान आज तैयार होके जरा फेस फूस चमका के बढ़िया सेंटिमेंट और जो कुछ होता है करके आ गए, और मजनू नहीं आए। उसको पता ही नहीं चला कि लैला की शादी हो रही,
वो इतना बेसुध प्रेम में था, वो जानता ही नहीं था कि लैला की शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होने वाला। अब सुबह पिता उठे तो देखा हजारों लड़के बाहर खड़े हुए, पूछे भाई तुम कौन? जी मैं मजनू। दूसरे से पूछे वो बताए मैं मजनू। इस तरह से हजारों मजनू हुए। पिता हैरान हो गए, कहने लगे बेटा तो मजनू तो एक होना चाहिए, ये बाहर देख हजारों हैं। कहते हैं अच्छा तो फिर चिंता नहीं करो, ध्यान दो साथियों, अब ऐसे करो पिताश्री, एक खाई खुदवा दो, बीच में मेरे लिए एक सुंदर चबूतरा और मेरे बैठने की जगह बना दो। ठीक हो गया, वहां कौन सी देर थी, राजा है। कहते ही सब तैयारी शुरू हुई। कहने लगे अब ऐसे करो, खाई को लकड़ियों से भरवा दो और मैं अपने चबूतरे पर बैठ जाती हूं। हो गया ऐसा। कहने लगे पिताश्री अब इधर ये जो खाई में लकड़ियां भरी हैं सबको आग लगवा दो, और जब आग लग जाए खूब अच्छी तरह तो ऊपर एक चद्दर का पाट बिछा देना, लोहे की टीन का बिछा, और कह देना कि लो भाई जो लैला को चाहता है इस पाट का वो जल के राख हो जाएगी गर्म एकदम अग्नि के समान, उस पर आ जाओ और मैं उसकी साथ शादी करूंगा। अब इधर ये सूचना वन में मजनू को भी मिल गई कि तेरी लैला क्या शादी है, तू वन में घूम रहा है। कहता अच्छा मैं भी चलता हूं, मेरी लैला की शादी है, मैं देखूंगा कैसे शादी होती है। शुद्ध बुद्ध ने बांवरापन, ए प्रेम बांवरापन। अब इधर क्या हो गया, आग लग गई खाई में, लकड़ियां जल गई, उस चद्दर जो लोहे की टीन डला था रेड सुर्ख जल के राख हो गया। अब अनाउंसमेंट हो गया जो लैला का सच्चा आशक है मजनू है, वो इस पर चल के वो लैला बैठी आके ले जा। अब जब दूध पीने मजनू ने देखा, अरे मर गए ऐसी लैला को क्या करना है, पहले तो खुद ही मरेंगे फिर ही तो जाके लैला हाथ आई, तो कोई इधर खांसने के बहाने से नहीं और कोई इधर खांसता चला गया, सब मैदान खत्म हो गया, कोई मजनू नहीं रहा, कोई नहीं रहा। वो जंगल से भागा भागा आ रहा है और उसने देखा है इसको शादी कहते हैं, मेरी लैला आज बिल्कुल ओपन एयर में बैठी, खुले में आज दिन तक मुझे दर्शन नहीं हुआ था, उसको ना तो वो आग दिखाई दी ना उसको टीन की चद्दर अग्नि में जली हुई नजर आई, सीधा लैला लैला लैला। साथियों इस दुनिया की मिसाल है, एक मनुष्य के लिए कितना वो प्यार करते हैं कि जैसे ही उसने जलती हुई चद्दर पे पांव रखा तो वो चद्दर पानी की तरह सन सन ठंडी हो गई और मजनू में जाके ले लिया। ये आठ पहर भीना रहे, भीना के मतलब उसी मस्ती में जो मस्त हो वो तो प्रेम है। अब इससे आगे चलिए प्रेम मीरा का। अकबर के दरबार में राणा एक उनका सिपा सलार था, उसकी पत्नी का नाम मीरा था। तो अब अकबर को भी पता चल गया कि मीरा गिरवर धारी के भजनों में इतनी मस्त होती है कि उसको अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, लेकिन रात्रि को 12 से 4 वो भजन गाती। तो उसने बीरबल से कहा अकबर ने कि बीरबल किसी तरह से मैं भी मीरा के भजन सुन सकता हूं। कहने के बादशाह सलामत कैसे उल्टा सोचते हो, तुम मुसलमान हो और वो राणा तुम्हारा दुश्मन है, उसकी पत्नी महलों में पहुंचोगे कैसे? कहने लगे कोई तो साधन बनाओ। कहते कि हां
यदि आप ये मूछें मूछें जो मुसलमानों की दाढ़ी है ये उतरवा दो और हिंदुओं वाले भगवे वस्त्र पहन दो, तो रात को एक पिछला दरवाजा होता है, वहां से केवल साधु जा सकते हैं, तो मैं उस रूप से तुम्हें ले चलूंगा। उन्होंने कहा अच्छा फिर देरी किस बात की, जल्दी कर। नाई को बुलवाया, उन्हें दाढ़ी वाड़ी बाशों वाली सफा करवा दी, भगवे वस्त्र धारण कर लिए, नाला धारण कर लिए, एक लोटा ले लिया, बीरबल के साथ रात को महलों में चले गए, जहां मीरा भगवान गिरवरधारी कृष्ण वैकुंठ के नाथ का मूर्ति रख करके उनका स्वरूप सजाना करना भोग लगाना और मस्ती से गाया करती। तो अकबर भी जाके साधु जहां बैठे थे वहां बैठे, और अब मीरा मस्त होकर के गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, आठों पहर भी ना रहे, स्वामी जी कहते हैं, लेकिन दर्जे बता रहे हैं प्रेम के, वो संसार का एक वजूद का प्रेम था, ये एक भगत का भगवान के साथ प्रेम है। इतना मगन हो गए मीरा, रोती भी है हंसती भी है, जो प्रेम में मगन हो जाते हैं वो बांगड़े होते हैं, उनको ना हंसने का पता लगता है और ना रोने का पता चलता है, दुख का ब्रहा आ गया तो रो पड़ते हैं, प्रभु का प्रेम याद आ गया तो हंस पड़ते। ऐसे भजन को देखकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए और उसके गले में एक हार था सोने का, जिस पर अकबर 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 का स्टंप बनी हुई थी, उतार के बीरबल को दे दिया कि भगवान के गले में। अब बीरबल मीरा को देता है, मीरा को तो ये कोई मतलब ही नहीं था कि अकबर दे रहा है कि हिंदू साधु दे रहा है, उसने उठा के भगवान के गले में डाल दिया, चलेगा सब लोग। अब 9 बजे उसका पति जो राणा है वो मंदिर में आया करता था, तो आया, उसकी दृष्टि और उन साधुओं की दृष्टि, अपने अपने नजर है ना, उसने भगवान के अभी दर्शन भी नहीं किए और अकबर का नाम पढ़कर जल के रहा हो गया। उसी वक्त वजीर और जो अंग रक्षक थे उन्हें हुक्म दिया कि जाओ उस चंडालनी मीरा को खींच के ले आओ, आज मैं उसके पखंड को समझ गया। रात को यहां अकबर को बुलाती है और मेरा नाक काटती है, लाया मीरा सो रही थी, दरवाजा खटखटाया, वजीरों ने बुलाया, लेके चले आके चरणों पड़ी प्रणाम किया, धक्का मारता है, चंडालनी यही तेरी भक्ति है, तू अकबर को इधर रात को बुलाती है, देख अकबर का हार भगवान के गले में। अब मीरा चौंक गई, पतिदेव मैं कुछ नहीं जानती, कहने हाँ ये औरतों के पखंड ही होते हैं, बाद में कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, तो अकबर कैसे आया, बांस लेके तलवार, साथियों सब जानते हो, मीरा का गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। मीरा ने उस भगवान के चरणों पर रख दी कि भगवान ये गर्दन मैंने पहले ही आपके चरणों पर निछावर कर दी, आप चाहे अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो रख लेना, अगर कुछ झूठ है पाप है तो उसको आज पापी शीश को कट जाना चाहिए ताकि तेरे नाम पर कलंक न। साथियों हिंदू इतिहास इसका साक्षी है, जैसे ही राणा ने तलवार निकाली पीछे से वैकुंठ के नाथ आ गए और बाजू पकड़ लिए, और बाजू ऐसा पकड़ा कि राणा की क्या ताकत थी, अक्कड़ गए लठ की तरह से, ना इधर ही लेना उधर। अब मीरा इंतजार में है कि तलवार तो इतनी देर में आ जानी चाहिए थी और मेरा सिर कट जाना चाहिए, देखा देर हो गई तो उठ के देखा, हंसने लगी, भगवान पीछे गिर पड़ी चरणों में, कहते हैं प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट उठा, कृपा कर दो इसके दिल को साफ कर दो, सामने आके इसे दर्शन दे दो। साथियों ये मीरा की भक्ति भगवान
वो विकार का शरीर का संबंध, ये उससे दर्जा ऊंचा। भगत और भगवान के प्रेम की परीक्षा, बस राणा का विमान टूट गया, पता चल गया। ऐसे ही समय समय पर कभी जहर का प्याला भी भेजा जो अमृत हो गया। ध्यान देना, भगवान तो आके बन के मिले, पति बन के नहीं मिले, क्योंकि उनके भजन क्या दर्शाते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई दुनिया वाले, और माई नहीं, मैंने लिया पति बजा के ढोल, कि मेरा पति गिरधर गोपाल दूसरा। पर वो पति नहीं बने, क्यों? वैकुंठ के नाथ लक्ष्मी के बिना और किसी के पति बन के दुनिया में आ नहीं सकते। भगवान बन के भक्तों के कष्ट दूर कर सकते हैं, ये दूसरा प्रेम। अब वो प्रेम जो हकीकत में उस परम धाम में ही है, और जिसके अंदर दूसरापन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि हैं एक समान, एक रूप है। जैसे सूरज और सूर्य की किरण, दरिया और दरिया की लहर, अब दरिया आशक है कि लहरें आशक हैं, ये है प्रेम। लहरें कहां गुप्त, गुप्त कहां रहती हैं, दरिया में, और दरिया किसकी मस्ती में है, लहरों में। इसी तरह वो पारब्रह्म का प्रेम, और वे जो गोपियां गोपियां सुन रहे हो, गोपियां उनकी लहरें हैं, गोपियां उनकी किरणें हैं। जैसे सूर्य किरणों से और दरिया लहरों से अलग नहीं हो सकता, वो ब्रह्म आत्माएं गोपियों के रूप में ब्रज में उतरी। फिर जब वृंदावन में बांसुरी बजी, तो ये भाव सागर, जो व्यास जी ने इसको भाव सागर कहा है, अपनी प्रेम की शक्ति के साथ गौपद वच, गाय के बांसुरे के पग के समान भेड़ मारा, पार चली गई। ना देह की सुध है, ना वस्त्रों की सुध है, ना लोक लाज की मर्यादा की सुध है, ये वो प्रेम है जो उस अक्षातीत के साथ, यदि हम आत्म से सच्चा जोड़ लें, तो फिर लोक लाज नजर नहीं आएगी, ये दुनिया नजर नहीं आएगी, वे भी अपना नजर नहीं आएगा, और सीधा प्राण नाजी के चरणों में। अब जब इस दुनिया से आंख खुलेगी, तो हम बैठे परम धाम में होंगे, और उनकी अखंड आनंद की लीला में हम मगन हो जाएंगे। ये है वो प्रेम, जो प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहा में सोए। बस परम धाम के अंदर वो आत्माएं और वो अक्षातीर 24 घंटे वहां प्रेम ही प्रेम, आनंद की लीला है, जिसको शास्त्रों में स्वलीला अद्वैत कहा, वो अपार ब्रह्म प्राणनाथी ने आकर के उसकी व्याख्या करके अच्छी तरह से संसार को बता दिया कि वो प्रेम जो बाइबल में लिखवा रखा था, गॉड इज लव, लव इज गॉड, वो ये है कि उनकी आत्मा ही, जहां वो एक स्वरूप है वहां दो नहीं। वैकुंठ के नाथ का भी दो का, भगत और भगवान का हुआ, लैला और मजनू का भी दो का हुआ। जहां प्रेम और इश्क तब होता है जब स्वरूप दोनों का एक होता है। जब तक एक स्वरूप ही नहीं होता, तब तक वो अखंड प्रेम की लीला हो ही नहीं सकती। ये प्राणनाथ जी ने अपने परम धाम के स्वरूप के बारे में, लीला के बारे में, और आत्मा के साथ क्या संबंध है, वो सब हमारे सामने रखा।